हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब एंड वेलकम टू उस्ना जनसे चैनल। मैं उस्ना जनसे नहीं हूँ, उस्ना जनसे मेरे पीछे का ये कैमरा लेके आज वो मुझे शूट करेगी और मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा मुगलाई बिरयानी। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको रेसिपी दूंगा मुगलाई बिरयानी की, तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है मुगलाई बिरयानी। सो फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो प्लीज आप मेहरबानी करके वहां से चेक कर लीजिए। ओके, और अब बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन ले रहा हूँ, इसे मैं मैरिनेट करके साइड में हटा दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा चिकन। हम मुगलाई बिरयानी के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करके साइड में रख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तेल। ऐसे ही अभी लग रहे हो। अब इसके बाद हम इस मिक्स करेंगे। इट्स ओके, मेरा हस्बैंड देखकर कैमरा थोड़ा घबरा रहा है, वो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं ना, ही इज नॉट यूज्ड टू। ओके रिलैक्स। अब इसे हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन को अच्छी तरीके से लग जाए, ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह। और कोई डिटेल? भाई इतना काफी आज के लिए। डोंट डिस्टर्ब डैडी, बेटू अरहान भी आ गया है, बट आप फिलहाल चिकन को देखिए। ओके, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा रेड कलर, वो क्या तंदूरी के अंदर थोड़ा सा लाल लाल कलर अच्छा लगता है थोड़ा, तो इसे भी हम ये मिक्स कर लेंगे के साथ। ये देखिए कितना अच्छा लाल लाल कलर लग रहा है, माशाल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे हमारे पोटैटोस, जिसे भी हम कलर लगा के साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड, मैंने चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब हम पोटैटोस को भी तंदूरी कलर लगाएंगे, इससे कोई टेस्ट तो नहीं आने वाला, पर वो रेड रेड देख के मुगलाई बिरयानी खाने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो हम थोड़ा सा तंदूरी कलर लेके पोटैटोस को भी कलर कर देंगे, ठीक है। यस, ये फ्राई होने के बाद जब ऐसा रेड रेड निकलता है ना, और जब ये बिरयानी के ऊपर लगता है, ये तो है मुगलाई बिरयानी, देख के दिल खुश हो जाता है, फिर जब खाओ तो डबल खुश हो जाता है, और वो भी मेरे हाथ की, महबूब दंसे के हाथ की। ओह माय गॉड। तो देखिए, मैंने पोटैटोस को भी कलर कर दिया और मैं इसे भी साइड में कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने चिकन और अपना पोटैटो पहले से मैरिनेट करके साइड में हटा दिया है। अब हम चलिए मसाला बनाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऑनियंस चॉप कर दिया है, अब मैं इसे डालूंगा तेल में और इसे हल्का ब्राउन होने तक तेल में पकाते रहेंगे। यस, और ये सरासर झूठ है, ये मैंने चॉप किया है। आओ आओ। लेट्स गो। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं महबूब धनसे को शूट कर रही हूँ सच्ची में। प्लीज एक बार जब आप कढ़ाई में डाल दे तो थोड़ा सा ऐसे बस स्प्रेड कर दे, ताकि हर जगह से ये प्रॉपर तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड, मैंने हमारा कांदा रख दिया है ब्राउन होने के लिए, ठीक है। जब ये एक बार ब्राउन हो जाएगा, मैं उसके बाद उसके अंदर डालूंगा टमाटोज। हाँ, एक चीज और, मैं इसके अंदर कोई भी अखा मसाला या खड़ा मसाला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यूज करता हूँ इसके अंदर बिरयानी मसाला, ठीक है। इसका एक फायदा ये है कि अगर हम मैन हैं तो ये बेटर है,
ये 1 kg के लिए हम अगर बिरयानी बना रहे तो 1 kg पैकेट के लिए बहुत बेटर है, ये बहुत इजी टू यूज हो जाता है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा कांदा हो चुका है ब्राउन, ठीक है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लीजिए। एक बार जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा मसाला जो मैंने आपसे कहा था, बिरयानी मसाला। हाँ यार वही यार, भूल जाता हूँ ना। तो ये चला गया हमारा बिरयानी मसाला फुल पैकेट। उसके बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। आप जब ये मसाला डालेंगे ना तो माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आएंगी ना। ओहो, एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले लीजिए, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि जो अदरक लहसुन की खुशबू है वो चली जाए। इसके बाद हमें इसके अंदर डालना है नमक। तो मैं नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिए एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। सारी चीजें डालने के बाद इसे हम रख देंगे मीडियम हीट पे ताकि इसका मसाला अच्छी तरीके से पक जाए, और तब तक हम हमारा जो मैरिनेट किया था चिकन और पोटैटो उसको कर लेते हैं फ्राई। तो हमने अभी कढ़ाई में डाला है प्याज, ये थोड़ा सा प्याज मैं एक्चुअली ब्राउन करके निकाल लेता हूँ डेकोरेशन के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद जब मैं चिकन डालूंगा तो ऑयल रेड हो जाता है तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए ये हो गई हमारी प्याज ब्राउन, इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक बार हम अभी इसे खोल के देख लेते हैं कि क्या हाल है हमारे मसाले का। ओ वाह माशाल्लाह, ये तो हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डाल देंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी 2 चम्मच दही। ये मुझे थोड़ी कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और ले लेता हूँ। अब दही डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक के रख दीजिए। स्लो फ्लेम पे रखना प्लीज, हाँ, ताकि दही भी अभी अपना पानी छोड़ेगा और ये थोड़ा सा और मसाला अच्छा हो जाएगा। अब बरिस्ता बनने के बाद हम ये तेल में डाल देंगे आलू, ताकि आलू भी हमारा थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ये हो गए हमारे आलू फ्राई, और हम तुरंत इसे निकाल के हमारा जो मसाला उसमें डाल देंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ फ्राई हुए, ये पके नहीं है, गले नहीं है अच्छी तरीके से। तो ये अभी हम इसे डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम इसे ढक देंगे। इसके बाद हमें इसी ऑयल में करना है चिकन फ्राई। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारे चिकन हो चुके हैं फ्राई, अब इसमें से हम 4-5 पीस निकाल के साइड में रख देंगे और बाकी का चिकन हम डाल देंगे मसाले के अंदर, क्योंकि जो 4-5 पीस ऊपर हम डेकोरेशन के लिए रखते हैं बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना यमी दिख रहा है। अब हम इस एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे ढक के रख देंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे हमारे राइस की तैयारी। तो फ्रेंड मैंने रख दिया हमारे चावल बॉयल होने के लिए, और मैंने लिया 1 किलो चावल क्योंकि मैं 1 किलो की बिरयानी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा खुशबू के लिए, मैं थोड़ा सा गरम मसाला यूज करूंगा इसके अंदर खुशबू के लिए, मैं डाल दूंगा थोड़ी सी किशमिश,
तू पता है क्या, क्योंकि किशमिश मेरी बीवी को बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है। यस आई लाइक इट, थोड़ा जो मुंह में स्वीट स्वीट टेस्ट आता है ना, वो जब क्यों करते हैं बहुत अच्छा लगता है वो। थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लौंग, लौंग ज्यादा नहीं डालना प्लीज, खुशबू के लिए एक दो पीस डालना, थोड़ा सा तेज पत्ता और इम्पोर्टेंट है नमक। मैंने 1 किलो राइस लिया है, इसलिए मैं इसके अंदर मैं डालूंगा 4 छोटा चम्मच नमक, ठीक है। और आपको राइस उतना ही बॉईल करना है, ये ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना, ये मतलब एक कनी ये होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे राइस में बॉईल आ चुका है, अब हम चेक करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे चावल हुए क्या नहीं हुए। इट्स हॉट यार, या ऑलमोस्ट ये हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद करके इसका पानी निथार देंगे। तो फ्रेंड हमारे राइस हो चुके हैं रेडी, अब हम इसकी लगा लेंगे तय। तो तय लगाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आइए तय लगाने के लिए सबसे पहले हम नीचे डालेंगे थोड़ा सा घी, इसको चारों तरफ थोड़ा सा वो करें ताकि आपके राइस ना लगे। उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा अपने फर्स्ट लेयर के लिए राइस, थोड़ा सा नीचे डाल दीजिए। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा मसाला। मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बरिस्ता डाल देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, ये क्या है फ्लेवर देता है एक्चुअली, और बिरयानी का मेन तो फ्लेवर ही होता है। अब ये होने के बाद जो हमारा बचा हुआ राइस था, हम सारा राइस इसके ऊपर हमारा फाइनल लेयर है वो डाल देंगे। राइस का लेयर सब फिनिश होने के बाद हमें डालना है फाइनल टचअप, और वो है थोड़ा सा घी हमें ऊपर भी डालना है, ताकि जब ये दम पे आ जाए तो ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हमें डालना है हमारा बचा हुआ बरिस्ता, स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरीके से हर जगह। फिर हमारा धनिया, और जो हमने स्टार्टिंग में हमारे 4-5 निकाले थे पीस चिकन के, वो ऊपर रख दीजिए। देखिए अब इसे हम ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए फास्ट गैस पे दम पे लगा देंगे। उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट इसे हमें स्लो आंच पे पकाना है। तो फ्रेंड्स हमारी बिरयानी बन के हो चुके है रेडी। चलिए आइए मैं आपको दिखा दूं कैसी बनी हमारी बिरयानी। ओके चलो कम ऑन उसना, लेट्स टेस्ट इट। वाओ वाओ, सी इट्स लुक यम्मी।
हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कितना यूनिक था देखा आपने। आज हमने किए थे रोल स्विच। आज मैं थी कैमरे के पीछे और ये थे कैमरे पे। तो इन्होंने बिरयानी बनाई, वो तो आप लोगों ने देखी और कितनी अच्छी दिख रही थी वो भी आपने देखी, लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को उसे टेस्ट करके। तो चलिए हम करते हैं टेस्ट। राइट, आपको ये बनाते हैं मुगलई बिरयानी। अब मुगलई बिरयानी में होता क्या है ना, सारी चीजें पड़ती है फ्राई होके, चिकन, पोटैटो, और ये अभी से इनके मुंह में पानी आ रहा है जबकि खुद ही ने बनाया इन्होंने। तो इनकी एक जो यूनिक चीज है ना, ये पोटैटो को कलर करके फ्राई करते हैं, है ना। तो देखिए क्यों, ये देखिए ये बहुत प्रिटी दिखते हैं, रियली फूड खूबसूरत। तो चलिए बहुत हो गई बात, अब करते हैं हम लेट्स टेस्ट। यस ऑफ कोर्स, यस लेट्स ट्राई। क्या किया धन से महबूब ने आज। तो ये मैंने लिया फुल स्पून एंड कैसी बनी खाने दो। बोलना यार। वाओ, झूठ बोली, झूठ बोला। तारीफ और उसना धन से मेरी इम्पॉसिबल। ये वाकई में बहुत यमी बनी है, इसलिए बिल्कुल नहीं कि ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, बट ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। और ये अरहान हमें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हम उसे अंदर नहीं लेंगे, बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ चलेगा चलेगा, था अरहान और राहिल बीच में। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें टेस्ट की बिरयानी जो बहुत टेस्टी बनी थी, और सच में टेस्टी बनी थी रियली में, यस 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 यस, पक्का पक्का। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें धन से महबूब के हाथ की और डिशेस टेस्ट करने मिले और रेसिपी मिले। यस 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 यस, ओके। तो इस वीडियो को बहुत लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह, हम दोनों आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।